राम जी, कैसे हो आप सब। और आज है हरियाली तीज, तो सारा ने हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपने सारी खुशियां दे, आपकी जिंदगी में सुख शांति लाए, बहुत सारी ढेर सारी तरक्की दे आप लोगों ने। और मेरे चैनल को फटाफट से ग्रो करें और मेरे चैनल ने फटाफट से ग्रो करें, सब लोग दुआ करियो इस चीज की। और अपना प्यार साथ सपोर्ट भी मेरे साथ बनाए रखियो हमेशा। और चाय पी लो सुबह सुबह, तड़के वाली चाय, मॉर्निंग टी। ये उठी थी मैं, बस उठ के चाय बनाई है। और टाइम हो रहा है 7:30 बजे का। रात में मेहंदी लगाते लगाते बहुत लेट हो गया था, मैं सोई हूँ लगभग 2 बजे के आसपास, क्योंकि रात मेरे हस्बैंड भी लेट आए थे, 11:45 बजे आए थे वो, 11:30-11:30 बजे। बस फिर उसके बाद मैंने मेहंदी लगानी शुरू करी और मेहंदी लगाते लगाते बहुत लेट हो गया। और ये है मेरी मेहंदी, ये बस आधी तारी है, आधी ना तारी है, जब सारी तारूंगी जब दिखाऊंगी। और सूट भी मैंने सील लिया है, रात ने सीला, मैंने 8:30 बजे में सीलन बैठी, क्योंकि कल 2 बार लाइव आई थी और उसके बाद फिर टाइम नहीं मिला, बस लेट हो गए थे काम कुम करते करते, बर्तन वर्तन करे, उसके बाद 8:30 हो गए थे। तो 8:30 बजे मैं सूट सीलन बैठी और मैं सूट सील के उठी थी 8:50, मतलब 49 पे उठी थी, तो 50 ही लगा लो आप, तो 20 मिनट में मेरा सूट सिल गया था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा काम ना था। मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, गला बना हुआ था, बाजू बनी हुई थी। और उससे पहले है ना, मेरा सारा टाइम बर्बाद क्यों हो गया, क्योंकि मेरा जो धागे का डब्बा है वो पड़ा है घर, और मेरे पास यहाँ धागे नहीं है, मशीन मंगाई थी, इनको धागे का डब्बा मिला नहीं। ये बोले तने धर रखा मन ना बेरा की दमन ना पाया, अपना देख लिए। तो अब मैं जब मैं जाऊँगी, जब मैं धागे का डब्बा लेकर आऊँगी, और उसका धागा नहीं था सूट का, फिर मैंने ना कहीं से ढूंढ ढूंढ के 2-2.5 घंटे तो मैंने धागा ढूंढा, क्योंकि मेरे सारे धागे डब्बे में ही रखे रहे। फिर मैं कोई इधर उधर पड़ा पा जा, और वो बाय लक पाए गया। तो चले फिर मिलते हैं थोड़ी देर में काम कुम खत्म करने के बाद, टिल देन बाय बाय। तो मैं आ गई हूँ रसोई में नाश्ता बनाने के लिए, और नाश्ते में आज बन रहे हैं आलू प्याज के पराठे। तो आलू मैंने कुकर में से निकाल दिए हैं ठंडे होने के लिए, और जब तक मेरे आलू ठंडे होंगे जब तक मैं काट लूँगी प्याज। प्याज बहुत बारीक बारीक चॉप करने हैं, जितने बारीक आप काट सकते हो उतने बारीक आपने प्याज काटने हैं, मोटे मोटे प्याज नहीं रखने हैं, क्योंकि अगर हम मोटे मोटे प्याज रखेंगे तो वे फिर जैसे हम पराठा बेल लेंगे तो चून में तो बाहर आ जाएंगे, और पराठा बेलन में बहुत दिक्कत रहे है फिर मोटी मोटी प्याज हुए पीछे। इसलिए हम बिल्कुल बारीक बारीक प्याज काट लेंगे, जितनी भी प्याज हमने चाहिए है। और पहला गामा में तीज पे सुआली पूड़े गुलगुले ये तारा करते, लेकिन आजकल कोई ना खाता था, आजकल नहीं बनते ये सब चीज़ें, जो खावे हैं बस वो ये चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तीज त्यौहार पे। लेकिन हरियाणा के कई गामा में इब भी बने हैं सुआली पूड़े और पकोड़े वगैरह, इब भी बनावे हैं तीज के दिन, लेकिन हम नहीं खाते। तो जब ना ही खाते तो फिर मैं तो यो ही रहा है कि भाई बे मतलब बना कर धरे तो कोई फ़ायदा ना है, जो बाढ़ खावे वो ही बना ले। तो मैंने आलू में प्याज मिलाने के बाद इसमें मिला दिए थे थोड़े सूखे मसाले। सूखे मसाले में सिर्फ मैंने नमक, जीरा और थोड़ा सा तिल और थोड़ा सा पुदीना डाला था, और यूँ मैंने अलग इसलिए निकाल लिया क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी सो के नहीं उठे हैं, तो जब वे उठेंगे जब उनका बनाऊँगी तो नून डाल लेते हैं ना, पानी छोड़ जाए तो ये आलू बहुत ढीले ढीले हो जाए। तो अभी मैं सिर्फ बना रही हूँ बालका के, क्योंकि क्लास है उनकी तो उनको मैं नाश्ता करा दूँगी, बाकी के में मैं मिलाऊंगी जब जब मेरे हस्बैंड नाश्ता करेंगे। तो मेरा पराठा भी बिल गया आप लोगों से बात करते करते, चलो सेक लेते हैं इसको। और मैंने कई वीडियो में बताया है जो पराठे होते हैं हम देसी घी में बनाए करें, तेल में नहीं बनाते, मेरे बच्चे भी नहीं खाते और हमने अच्छे भी ना लगते तेल के पराठे। जो देसी घी में स्वाद है ना वो स्वाद कितने भी ना है, मतलब तेल का आप बना लो लेकिन वो स्वाद नहीं आता जो देसी घी के पराठे में आवे, तो इसलिए मैं घी में ही पराठे बनाए करूँ। तो पराठा मेरा सिक गया है, और आज ये जो आलू हैं ये थोड़े से वैसे हैं जो जैसे आलू हो नहीं जाए करें, जो पानी पी लिया करें फिर वे बिल्कुल ढीले ढीले से हो जाए करें, तो ये आलू वैसे आ रखे हैं अब की बार। तो बड़ी दिक्कत सी हो रही थी पराठे बेलन में, लेकिन फिर भी मैंने बना लिया। और बच्चों को मैं पराठा देऊंगी दही के साथ, अचार बहुत कम दिया करूं मैं, अचार नहीं देती अपने बालका थे। तो नाश्ता बनके बिल्कुल रेडी है, आलू का पराठा विद दही। आप लोग भी आ जाओ नाश्ता कर लो, और अब मैं आप लोगों को मिलूंगी नहाने धोने के बाद। हाँ जी, तो नहाना धोना मेरा हो गया है, और सुबह नाश्ता बनाने के बाद ना मैं चली गई थी एक बार बाजार, सब्जी वब्जी लेके आनी थी, और उसके बाद मेरे हस्बैंड का लंच बनाया, उनको लंच वंच करवाया, वो ऑफिस गए, आज लेट गए हैं, मैंने आप लोगों को बताया था रात बहुत लेट आए थे, तो लेट सो के उठे और फिर लेट गए सुबह।
तो बस इसीलिए थोड़ी सी लेट होगी। और अब बनने लग रहा है ढोकला, और शाम को मैं बनाऊंगी मटर पनीर की सब्जी, क्योंकि अभी टाइम अप्रॉक्स हो चुका है 2:45 के आसपास, और मेरी मेहंदी देखो। और हाँ, उसके बाद ना मेरे हस्बैंड जाने के बाद मैं मेहंदी पीछे मेहंदी लगा के, और मैं सो गई थी, ये मेरी बैक की मेहंदी है पीछे की, और ये मेरी सामने की मेहंदी है सीधे हाथ की। कैसे दिखाओ, दिख रही है? ये देखो, ये मेरी सी आगे की मेहंदी है और ये पीछे की मेहंदी है, और यह उल्टे हाथ में लगा रखी है मैंने, या दोपहर में लगा के, और मैं सोगी, मतलब उठूंगी ना इतने सूख जाके, और फिर उठकर फिर नहा लूंगी मैं, नहाई भी ना। और यह लगाई मेरे बच्चा ने, यह वाली लगाई है लक्की ने, यह वाली लगाई है खुशी ने, और लक्की ने देखो केकरा। मैं जब सोगी ना, मेरी आंख लग गई लेके गुप्पी, और यह कलाकारी कर दी उसने, और ये उसने अपने पापा का नाम लिख रखा है, सोए पीछे कर दी, और ये मेरी उंगली भी ऐसे होगी बाद में फिर। तो ये मेरे बच्चों की लगाई हुई मेहंदी है, और मेरे को बताना कि कौन सी मेहंदी अच्छी लगी। ऑब्वियसली बच्चों की ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि बच्चों का एफर्ट ज़्यादा है, मैं तो सारी आयन लगाती है रहूँ। और मैं बाहर है ना, पता है क्यों लगवा का हूँ, क्योंकि दूसरे हाथ में लगाने की दिक्कत हो जाए, इसलिए मैंने बाहर जाना पड़ा है, ना तो मेहंदी लगानी मैंने आवे है, मैंने सारे काम आवे, कोई काम ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं आता हो, कढ़ाई बुनाई सिलाई मेहंदी पार्लर मेकअप सारी चीज़ आवे है मैंने। तो पता ना मेहंदी का डिज़ाइन कैसा लगा, एक बार फिर दिखा दूँ एक बार फिर दिखा दूँ। अरे तो है ना, मेरी बेटी भी कहने लगी, मम्मी आप ऑलराउंडर हो, मम्मी आप ऑलराउंडर हो। तो अभी ढोकला बनने लग रहा है, और आज ढोकले में थोड़ी सी गड़बड़ होगी, बेरा ना के गड़बड़ होगी, मैंने समझ में ना आ रहा है, या तो आज ना बैटर ज़्यादा हो गया था ढोकले का, मैंने पहले जिस प्लेट में मैं बनाई करती हूँ उस प्लेट में डाला, तो उसमें वो ओवरफ्लो होने लग रहा था, तो मैंने क्या करा वो पतीले में शिफ्ट कर दिया, तो पतीले में शिफ्ट करें पीछे आगे वैसे से फूल का बाहर आए करे ना, वो फूल का जब बाहर आया वो अंदर की साइड बैठ गया। अभी चल रही है क्लास, इवे ख़त्म ना हुई है, तो बच्चे बैठे हैं क्लास में, शोर आ रहा होगा आपने पीछे था तो क्लास की आवाज़ है ना। और यो देखो, यो मेरा ढोकला आज नीचे ना फंसक गया, बजाय ऊपर ना होने के ना, ऊपर फूलन के ये नीचे की साइड बसक गया, और मैंने यूँ ना पता इसमें प्रॉब्लम के आई है ना, तो ये फूल का बाहर आए करे, वैसे तो बन गया। और देखो ये रीस की प्लेट, पहले मैंने ये इस प्लेट में डाला था, पर ये इसमें था ना ओवरफ्लो हो गया सारा, तो मैंने ये इस पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया, और इसमें ट्रांसफ़र करे पीछे बेरा ना इसका के हो गया। तो चलो गैस मैंने बंद कर दी है ढोकले की, और मैं एक बार ढोकला निकाल के, और मेरी रसोई का देखो यहाँ से दिख रहा है ना पीछे आप लोगों को, सारा मैस मचा पड़ा है, क्योंकि मैं ढोकला बना रही थी ना, तो सारा सामान वहीं पड़ा है, मैंने कुछ भी ना ठाया। मैंने आप तो बताई थी ना ये सूट मैंने सी लिया, और रात में सिला था 8:30 बजे, तो दिखाऊँ इसका फुल लुक दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, रुको ये देखो। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे थोड़ा सा ना लूज़ है, तो लूज़ मैंने जान पूछ के सिल लिया है वो, क्योंकि ज़्यादा टाइट रहे ना तो फिर मेरे तो पैर ना जाते। और बाजू देखो, मेहंदी दिखाई थी तो ऊपर चढ़ा ली। और मैं बोल रही थी कि ढोकले की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि वीडियो की रेसिपी आवेगी लेकिन अलग से वीडियो डालूंगी मैं ढोकले की रेसिपी की, क्योंकि मैंने सुबह आप लोगों के साथ परांठे शेयर कर दिए थे। और मेहंदी जरूर बताइए, मेहंदी की सी लागी मैंने बहुत मेहनत लगाई है कल घने दिन बाद लगाई है ना, मतलब बहुत टाइम हो गया मैंने मेहंदी लगाए, तो कल घने दिन बाद लगाई ना, तो इस मेहंदी में मैंने कम से कम भी 1.25 घंटा लग गया था, बहुत धीरे 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 हाथ चल रहा था, क्योंकि पहले लगाती रहूँ थी तो फटाफट लग जाती, अब बहुत टाइम के बाद लगाई है। नेल पेंट भी देखो काम कर करके ना, नेल पेंट भी उतर गई। हाँ आई, तो चलो मैं एक बारी बच्चों का ढोकला निकाल के और खाना दे देती हूँ बच्चों को, फिर मिलती हूँ। तो ये लो तीज की दूसरी डिश भी तैयार है, ढोकला, आ जाओ आप लोग भी सब खा लो, तीज त्यौहार का तो ये मतलब रहे है, बनाओ खाओ और ऐश करो, बस खा पी के मज़े करो। और जैसा ये दिखा था ना नीचे बस क्या होया, मैं यूँ सोचू थी कति नाश हो गया आज तो ढोकले का, लेकिन बहुत टेस्टी बना है, बालका ने खा लिया, दिया है मेरी प्लेट, तो आप लोग भी आ जाओ ढोकला खाने के लिए।
तो मैं बैठी हूँ डिनर करने के लिए। सब लोग डिनर कर चुके हैं और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को आज डिनर में क्या क्या बनाया है। बहुत कुछ बनाया आज डिनर में। ये देखो, ये है रायता, मटर पनीर की सब्जी, भिंडी की सब्जी, और ये जो चटनी ढोकले के साथ बनाई थी वह बच रही थी तो मैंने वो ले ली, सबको दे दी, थोड़ी थोड़ी बच रही थी। तो आ जाओ आप लोग भी खाना खा लो मेरे साथ, और बहुत टेस्टी खाना बना है। टेस्टी तो बनना ही था, 4 घंटे मैंने रसोई में लगा दिए। 4 घंटे के आज तो मेरा आधे से ज्यादा दिन रसोई में गया है। और पीछे कपड़े दिख रहे होंगे आप लोगों को, तो ये कपड़े मैंने अभी धोए थे, फिर मैंने अंदर ही फैलवा दी क्योंकि बारिश का जैसा मौसम है और 2 दिन से बारिश आ भी रही है बार बार, तो इसीलिए मैंने अंदर ही फैलवा दिए कि रात रात में सूख जाएंगे, पंखा चला के छोड़ देंगे। तो हमारी तीज तो रही है बहुत अच्छी, आप लोगों की तीज कैसी रही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। हमारी तीज में कोई कमी नहीं थी, बस एक छोटी सी कमी रहेगी कि बच्चों की क्लास की वजह से हम घर ना जा पाए। देखो परिवार के साथ त्योहार मनाने का एक अलग ही मजा होता है, लेकिन मम्मी ने है ना हमारे को अकेला फील होने नहीं दिया। मम्मी का आज दिन में इतनी बार फोन आया, दिन में कम से कम भी 5-6 बार फोन आया, पापा का भी फोन आया, मतलब जो मेरे इन लॉज हैं उनका, तो उन्होंने हमें अकेला फील होने नहीं दिया क्योंकि उनको भी पता था हमारी मजबूरी है, क्लास है, हम नहीं जा सकते, क्लास नहीं होती तो मैं जरूर जाती, और अगर कल की भी छुट्टी होती तो भी मैं जरूर जाती क्योंकि फिर हम कल शाम तक वापस आ जाते या परसों तक आ जाते। तो बस यही है, और दिन खत्म होते होते ना मेरे को काफी अच्छा सा प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट मेरे बच्चों ने दे दिया। लकी बोला, मौमसी आपको पता है आज ना ऐसा फील हो रहा है सुबह से जैसे आज किसी का बर्थडे है, आज हम सुबह से कुछ ना कुछ बनाए जा रहे हो। और आज मेरा सुबह से मतलब आधे से ज्यादा दिन है ना रसोई में ही निकला है, आप लोगों ने देखा भी है, पूरा दिन आज ऑलमोस्ट मेरा रसोई में ही निकला है। थोड़ी देर सोई थी, जब मेहंदी लगाई है पीछे वाली लगा के तब सोई थी, बस उसके उठते ही उसके बाद फिर रसोई में ही मैं रसोई के कामों में लगी हुई थी। तो ऑल ओवर हमारी तीज बहुत अच्छी रही, आप लोगों की तीज कैसी रही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और मैं आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सभी को प्यार भरी राम राम, जय माता दी, स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड लव यू ऑल।